उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन के तहत पिछले दिनों जयपुर में 9 दिनों तक धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किया गया, जिसके बाद 3 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर जल समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं होने पर बेरोजगारों ने उपचुनाव में वोट बहिष्कार का अभियान चला दिया है, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों राजसमंद से की गई। अपनी मांगों को लेकर 10 मार्च को प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार सुजानगढ़ में एक विशाल वाहन रैली निकालने जा रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। पिछले कुछ महीनों से बेरोजगारों की 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा संघर्ष चल रहा है। मंत्रिमंडल की टीम का गठन हुआ, वार्ता हुई, 7 बार हमारी वार्ता विफल हुई और हमने खुला अल्टीमेटम दिया कि बेरोजगारों की मांगों को नहीं माना गया तो चारों विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का विरोध किया जाएगा। नो जॉब नो वोट, नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान हमने राजसमंद से सोशल मीडिया पर चलाया। 6 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए और हिंदुस्तान में ट्रेंड हुआ। वही राजसमंद उदयपुर में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ी और शपथ ली कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे।